हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज हम डिस्कस करने वाले 2023 के अंदर अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो तो कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो आज हम टोटल 5 कंट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहली कंट्री है जर्मनी, सेकेंड है यूके, थर्ड वन यूएसए, फोर्थ वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ वन इज कनाडा। सो हम 5 कंट्री के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है और कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर रहेगी। चलिए हम उसको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जर्मनी कंट्री के बारे में। सबसे पहले दो कंट्रीज है जहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ये दोनों कंट्री के बाद थर्ड नंबर आता है जर्मनी का। अगर आपको जर्मनी में जाना है तो सबसे पहले आपको बेसिक जर्मनी लैंग्वेज आती है तो उसके लिए आपके जॉब मिलने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे ट्यूशन फीस होती है वो ज़ीरो होती है, यानी नेशनल स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, तो आपके यहाँ पे फीस कम हो जाती है। और उसका जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड जो वर्क होता है, आपको करियर बनाना होता है, वहाँ पे वास्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी है। तो जर्मनी इज़ द बेस्ट कंट्री जिसको इंजीनियरिंग के अंदर करियर बनाना है उसके लिए। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड कंट्री के बारे में। सेकेंड कंट्री हमारी कनाडा। अगर आपको कनाडा में जाना है स्टडी के लिए तो आपका जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड है वो रिसर्च बेस्ड होता है, तो कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री बिकॉज ऑफ यहाँ पे केस स्टडी और रिसर्च वाइज एजुकेशन के सिस्टम है। जो जिसको रिसर्च में आगे जाना है या कुछ डेवलपमेंट में जाना है उसके लिए सबसे अच्छी कंट्री ये रहेगी। दूसरा, कनाडा के अंदर अभी आईटी टेक्नोलॉजी के लिए भी करियर के अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, तो आईटी रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट को कोर्सेज लेने हैं और करियर आईटी में लाइक डेवलपमेंट है या फिर अभी जो ब्लॉकचेन का नया ट्रेंडिंग आ रहा है वो सारी अपॉर्चुनिटी कनाडा में ज़्यादा है। तो अगर आप आईटी फील्ड से हो या फिर आपको टेक्नोलॉजी में आपका करियर बनाना है तो कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री। सेकेंडली, वो सिक्योरिटी के बेस पे बहुत अच्छी है स्टूडेंट के लिए कि वहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं उनको रहने के लिए और बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, रादर देन अदर कंट्रीज जहाँ पे जो स्टूडेंट को जो चैलेंजेस आते हैं वो कनाडा में सिक्योरिटी बेस पे बहुत अच्छा है। और हम बात कर रहे हैं फीस के लिए, तो फीस कनाडा की अफोर्डेबल होती है, तो कोई भी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास लेवल के पेरेंट्स होते हैं या फिर जिसको लोन करके जाना है वो इजीली कनाडा की फीस को अफोर्ड करके स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी के लिए जा सकता है। और कनाडा के अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, तो अगर करियर के साथ आपको स्टडी के साथ करियर भी बनाना है और पैरेलली जॉब भी करनी है तो दैट टाइम आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी मिल जाती है। तो दैट्स द रीज़न कि अगर आप कनाडा सिलेक्ट करते हो तो ये सारे आपके पास एडवांटेज है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में। ऑस्ट्रेलिया सभी को अच्छा लगता है, बहुत साइलेंट कंट्री है, बहुत अच्छी भी कंट्री है। जिसको जाना है, हाँ थोड़ा बहुत पीआर का इशू होता है, लेकिन आप वहाँ के स्टूडेंट की बेस पे जाते हो उसके बाद आपका जो भी वर्क परमिट होता है उसके बाद आपको पीआर के लिए अप्लाई करना होता है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया कंट्री सिलेक्ट करते हो तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ वही है बेस्ड फॉर एजुकेशन पर्पस की दुनिया की 100 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से 8 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की आती है। यानी आपको अच्छा एजुकेशन लेना है बहुत अच्छी कॉलेज के अंदर तो आपके पास ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए। दूसरा होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाली एजुकेशन सिस्टम होती है, जिसमें अभी जो ट्रेंडिंग कोर्सेज होते हैं लाइक बिग डेटा, डेटा रिलेटेड जो भी कोर्सेज है, जो आईटी टेक्नोलॉजी के हैं, वो कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज टू अदर कंट्री। तो यहाँ पे डेटा रिलेटेड जो भी कोर्सेज आपको लेंगे और उसमें आपको करियर बनाना है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी और करियर दोनों के रास्ते ओपन हो जाते हैं। तो स्पेशली आईटी में डेटा वाले के लिए सबसे अच्छी कंट्री है। दूसरा है यहाँ पे और भी फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के अंदर आपको ग्रो करना है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटी उसके भी है। तो ये दोनों रीज़न की वजह से और केस स्टडी बेस है ताकि स्टूडेंट खुद केस स्टडी को समझे और उसके ऊपर पूरा उनका रिपोर्ट्स लिखना है या स्टडी कंप्लीट करनी है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपके पास इतने सारे एडवांटेज रहते हैं और सेफ्टी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया कंट्री इज़ ऑल्सो गुड। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है बेस्ड ऑन टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं यूके कंट्री के बारे में। यूके आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कंट्री है बिकॉज ऑफ सभी को यूके इजीली वीज़ा मिल जाते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर आपकी स्टडी गैप होती है तो
तो यूके ऐसी कंट्री है कि आपको स्टडी गैप के हिसाब से भी आपको स्टूडेंट वीजा देती है, और आप आपकी जो भी गैप है उसको फुलफिल करने के लिए, आगे की स्टडी करने के लिए आप वहां जा सकते हो, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा होता है कि ये कंट्री इंडिया कंट्री से काफी नियर है, तो अगर आपको कुछ इनकेस ऑफ इमरजेंसी होती है फॉर आपको इंडिया में आना है या इंडिया के नियर बाय कंट्रीज में आना है, तो आपके लिए आना भी बहुत ईजी हो जाता है। और सबसे अच्छा जो हम सभी लोग सोचते हैं, टिकट फेयर्स, वो भी काफ़ी चीप होते हैं यूके के। तो ये तीन मेन बेनिफिट होते हैं, और जो आप एडवांटेज बोलो ये होते हैं। और यूके के अंदर एजुकेशन के अंदर आपको हर एक लेवल की अलग अलग स्ट्रीम की आपको एजुकेशन की सिस्टम मिलेगी। आपके पास कॉलेज सिलेक्शन में भी बहुत सारी लिस्ट होंगी कि आपको टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में जाना है या सिर्फ कॉलेजेस में जाना है या फिर इंस्टीट्यूट लेवल पे जाना है। तो आपके पास कोर्स के अंदर सिलेक्शन भी मिलेगा और कंट्री माइग्रेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी मिल जाएगी। और जॉब के लिए यूके में बहुत ईजीली आपको जॉब मिल जाती है, 1 to 2 months में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हो तो आप जॉब इजीली मिल जाती है। और आपको इतना ज़्यादा लैंग्वेज इशू भी नहीं आता, बिकॉज ऑफ इंडिया और इसके आसपास की कंट्री के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने गए होते हैं, तो जॉब और लैंग्वेज इशू इतने नहीं आते कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो यूके जाना हो, सबसे बेस्ट कंट्री है यूके, जिसको स्टडी के साथ वहाँ पर रहना है और उसका करियर वहाँ बनाना है, तो यूके इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर 2023। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट यूएस के बारे में। सबका ड्रीम होता है कि भाई हम बहुत अच्छी कंट्रीज में जाए और टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो सबसे पहला नाम आता है यूएस का। और सबका ड्रीम होता है कि भाई स्कॉलरशिप के बेस पे हम यूएस जाके अच्छी पढ़ाई करें, ड्रीम रहता है। बट हर एक के बस की बात नहीं होती, बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप लेने के लिए जो मेहनत करनी होती है वो हर एक स्टूडेंट नहीं करता है। तो यूके इज़ द टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हब, जहाँ पे रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी मिलती है, यूनिवर्सिटी के रैंकिंग बहुत अच्छे हैं, और बाकी सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है यूएस के लिए। तो यूएस के अंदर आप जाते हो तो सबसे पहला आपके पास करियर के लिए बहुत सारे पाथ मिल जाते हैं, दूसरा है वहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, और वहाँ पे आपको सेटलमेंट के लिए एज सच इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बस आपको मेन इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी ग्रिपिंग होती है तो आप इजीली यूएस के अंदर सेटल हो सकते हो। और अगर आपको स्कॉलरशिप बेस पे वहाँ जाना है तो कॉलेजेस आपको रहने और खाने पीने के लिए अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है और स्टाइपेंड भी देती है। तो अगर आपका मार्कशीट अच्छी है, आपका स्कोर अच्छा है और आपको यूएस जाना है बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप, तो और कोई कंट्री के बारे में सोचना ही नहीं, इजीली यूएस के अंदर अप्लाई करो और आपकी स्टडी स्टार्ट कर दो। तो आज का 5 countries के बारे में मैंने कंक्लूड कर दिया। तो अगर आपको इसमें से कोई भी एक कंट्री के बारे में डीप में जाना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।